Saudi Arabia is going to send a participant for Miss Universe 2024. और सुने हिस्ट्री में पहली दफा सऊदी अरेबिया से एक पार्टिसिपेंट एक खातून को भेजा जा रहा है मिस यूनिवर्स के लिए। क्या बात है, सऊदी अरब ने ये फैसला करा है कि अब जो मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन है उसमें सऊदी अरब भी हिस्सा लेगा। वाह भाई वाह, और खौफ से जो है वो पूरी कौम काम गई कि ये हो क्या गया। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। एम्बियंस का जो है ना जोरदार तमांचा है उन तमाम मुसलमानों पे जो के अपना इस्लाम बना के बैठे हुए हैं। हम अमली तौर पे कुछ नहीं करते, सिर्फ ख्वाहिशात का अंबार लगाए रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई जादू का चिराग होगा और खुद ही हमारे मसले होना शुरू हो जाएंगे। इन खातून को देखने के बाद तो मैं यही बोल सकता हूँ कि कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है बताओ मुझे। मिस यूनिवर्स के लिए एक पार्टिसिपेंट को भेजा जा रहा है रूमी अलकातानी, जिनका नाम है। मिस यूनिवर्स की कंपटीशन में एक 27 साल की लड़की है, लेडी है सऊदी अरब, वो हिस्सा लेगी। क्या बात है, तो मेरा ख्याल शायद सऊदी अरब शायद इससे भी आगे बढ़ेगा, अभी तो ये स्टार्ट है शायद। ये क्या हो गया इन कन्वर्टेड मुसलमानों के साथ, हे राम माता जी। ये औरत को इज्जत नहीं मिल रही और वो अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं। जाहिल, हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं नहीं। सब अपने अपने दिल पे हाथ रखकर बताइए, आपने कितनी बार अपने आप को बदलने की कोशिश की है, कितनी बार आप आईने के सामने खड़े होते हैं और आप अपने आप से सवाल पूछते हैं कि मुझे सलाह की कितनी जरूरत है। हमारे पाकिस्तान में बहुत ब्यूटी है, अच्छा, मगर उसके ऊपर ना उसको लोग बहुत छुपा के रखते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, उनके घर वाले यहाँ तो दादा सामने नहीं लाते। सुनते जाइए, यहाँ तो उनको हिजाब में या नकाब में रखते हैं, हमारे पाकिस्तान में इन चीज को बहुत ढाम के रखा हुआ ताकि वो किसी के सामने ना जाए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इसकी वजह से लोग हमारे पाकिस्तान ने ये क्राउन हासिल नहीं किया। उसकी बात ये है कि दुनिया ने तारीख से भी कोई सबक, तारीख को लिखकर सजा कर किसी ऐसे संदूक में रख दिया गया जो उस वक्त खोला जाता है जब दुनिया कोई बड़ा नुकसान उठा चुकी हो। इन पाकिस्तानियों को ततैया लगाने के लिए सऊदी अरब भी अपनी तरफ से एक लड़की मिस यूनिवर्स में भेज रहा है। क्या बात कर रहा है, और दर्द किनको हो रहा है, इन कन्वर्टेड मुसलमानों को। असली मुसलमान मिस यूनिवर्स में जा रहा है लेकिन ये नकली मुसलमान, इनके यहाँ से कोई मिस यूनिवर्स बनती है तो उस पे फतवा लगा देते हैं। सुनते जाइए, उसको देश निकाला देते हैं। सुनते जाइए, उसके नागरिकता खत्म कर देते हैं। सुनते जाइए, उसको इस्लाम से खारिज कर देते हैं। सुनते जाइए, ऐसे है ये कन्वर्टेड पाकिस्तानी नकली फर्जी मुसलमान। हमें फख्र है इस पर, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया तो ये नकली मुसलमानों के, फर्जी मुसलमानों के लग रही है पिछवाड़े में मिर्ची। और पाकिस्तान के मौलाना, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की अशरफिया अशराफिया जो भी होती है, सब के सब बावले हो गए, पागल हो गए। सऊदी अरब कोस रहे, क्यों कोस रहे हो भाई, क्यों कोस रहे हो, तुम्हारा उनसे क्या लेना देना है। वो असली मुसलमान है, वो मोहम्मद के वंशज है, इस्लाम वहीं पे पैदा हुआ था, वहीं से चला बना, वो इस्लाम के सच्चे रखवाले है। तुम फर्जी मुसलमान हो, मक्का मदीना भी वहीं पे ही है, तुम काय के मुसलमान, पहले तो मुझे बताओ। तुम सारे के सारे कन्वर्टेड मुसलमान हो, तुमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तकलीफ उनको होनी चाहिए जो सऊदी अरब में रहते हैं, लेकिन वो सब लोग हैं खुश और नकली मुसलमान है दुखी। तो आइए इनका थोड़ा सा दुख बांटते चलते हैं पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया एक तो इस्लामिक मालिक है और आप ऊपर से उसको मिस यूनिवर्स के पार्टिसिपेंट मन आगे भेज रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे इस्लाम में नहीं है। अच्छा, फिर पाकिस्तान से क्यों गई? हमारी भी तो मिस यूनिवर्स के लिए सिलेक्ट हुई थी। नहीं होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था, हमारे इस्लाम में ही नहीं अलाओ, तो आप कैसे कह रहे हो कि हाँ पाकिस्तान से, पाकिस्तान या सऊदी हो, नहीं होना चाहिए था। कई लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, कैसा कैसे ये, कैसे ये, कैसे वो, और खुद दुनिया भर की गलतियां करते हो, और क्रिटिसाइज करने के लिए सबसे पहले सलूट करो उस लड़की को, सलूट करो उस लड़की को, इस लड़की ने दम दिखाया है। क्या औरत को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए फिर ये बताएं? औरत को इज्जत देनी चाहिए, ठीक है। पहली बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि औरत को इज्जत नहीं मिल रही और वो अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं। तौबा तौबा तौबा, बोल्ड कपड़े अगर पहनेगी तो उसको हम इज्जत नहीं देंगे, हमारे इस्लाम में अलाउ ही नहीं है ना। आप देखें कि हमारे नबी ने हमें क्या कहा है, हमें यही कहा है ना कि आप खुद को ढाम के रखें। हमें सूरत इन्फाल में साफ साफ कहा गया है कि आप अपनी औरतों के मतलब इस तरह चलें
कि उन्होंने फुल खुद को कवर किया। सब अपने अपने दिल पे हाथ रखकर बताइए, आपने कितनी बार अपने आप को बदलने की कोशिश की है, कितनी बार आप आईने के सामने खड़े होते हैं और आप अपने आप से सवाल पूछते हैं कि मुझे सलाह की कितनी जरूरत है। सऊदीया कहता है कि मुसलमानों का नाम खराब करने वाले पाकिस्तानी है क्योंकि वो अपने किरदार से नाम खराब करते हैं। ये बात तो सच है कि पाकिस्तान के अवाम को पता नहीं हो गया क्या है, उनकी सोच कहाँ के, मतलब यहाँ पे मुझे लगता है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए और उनको जहालत है यहाँ पर। MBS का जो है ना जोरदार तमांचा है उन तमाम मुसलमानों पे जो कि अपना इस्लाम बना के बैठे हुए हैं, रियल इस्लाम से वो काफ़ी दूर हैं। उनके नज़दीक जो है ना पहनावे की इज्जत है, इंसान की नहीं है। क्योंकि जब आप पहनावे की इज्जत करते हो, इंसान की इज्जत नहीं करते, तो आप घाटे में ही जाते हो। अब बात ये होती है कि जहाँ पर हम लोगों का अपना फ़ायदा आता है, हम इस्लाम को उस तरफ जो है ना रुख मोड़ देते हैं, ठीक है। और जब भी बात आती है कि हम कोई इस्लाम की बात आती है तो हम औरत की तरफ जो है ना उसका सीधा तोपों का रुख कर देते हैं। और अपना क्या है, अब अगर आप सुन्नत की बात करते हैं तो दाढ़ी भी सुन्नत है, फिर आप दाढ़ी क्यों नहीं रखते। अगर आप उनके कपड़ों पे बात करते हो तो फिर आप खुद ब्रिटिश कपड़े क्यों पहनते हो, ठीक है। आप बूट क्यों पहनते हो भाई, आपका तो एक वो चप्पल होती है स्लीपर कुछ वो होते हैं, वो पहनो, घुटनों से ऊपर शलवार रखो और कमीज़ पहनो आप लोग, ठीक है। तो फिर आप इस्लामी तरीके से जब आप चलना चाहो तो फिर उस तरह से चलो ना, आप दूसरों पे क्यों उंगली उठा रहे हो। अगर ये मैंने बहुत ज़्यादा ये देखा है कि औरतों के कपड़ों पर तो तनकीद की जाती है, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि हमने जो पैंट शर्ट पहनी है वो हम लोग टाइट पहन रहे होते हैं। हमको स्किन फिटिंग जीन्स जो है ना वो सबसे अच्छी लगती हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम किसी औरत को ऐसा लिबास पहने देखते हैं जो हल्का से अब हर किसी का दिल करता है फिटिंग में पहने, अपनी बॉडी के लिहाज से पहने, तो हम लोग फिर उसको माशाल्लाह से उसके घर तक जाते जाते हम देखते रहते हैं, हम पूरा फॉलो करते हैं अपनी आँख के साथ। अगर हमने पीछे नहीं जाना तो जब तक आँखों से ओझल नहीं हो जाती तो हमारा ईमान जो है ना वो ताज़ा नहीं होता। ईमान को ताज़ा करने के लिए हमारी आँख ये जाती है। अच्छा ओझल हो गई, नहीं तो नहीं आ रही। ये मेरा भाई फुल एक्सपीरियंस वाला है भाई साहब, और बंदे के दिल में कोई पाप नहीं है, जो भी है सच बोल दिया है कि पाकिस्तानियों की नीयत कैसी होती है। तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि कपड़ों की इज्जत नहीं होनी चाहिए, कपड़ों में इंसान कौन है, इंसान की इज्जत होनी चाहिए। आप औरत जो है ना वो है ये काबिले इज्जत शख्सियत, ठीक है ना। अगर आप कपड़ों की इज्जत करते हो तो फिर जाहिर सी बात है फिर आप अपनी माँ बहन की भी इज्जत नहीं करते। आप उनको अगर जिस दिन उन्होंने कपड़े ऐसे पहन लिए तो आप अपनी माँ बहन को भी गलत अल्फाज बोलोगे। MBS का आपने देखा ही होगा कि MBS के जब से आए हैं उन्होंने बहुत से रिफॉर्म्स लाना शुरू किए हैं। यू विल हैव टू अप्रिशिएट एंड यू विल हैव टू अपलोड दैट मैनस विजन। ये बात है, उन्होंने सऊदी अरब को मॉडर्न कर दिया। आप सपोर्ट करते हैं वहाँ पर जो एम्पावरमेंट हो रही है या तरक्की कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान? बिल्कुल, जारी सी बात है, वो रियल मुस्लिम मुझे लग रहा है। हमारे यहाँ के जो रॉन्ग नंबर मुस्लिम है ना वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जो भाई आप अपने आप को संभालो, आप एक अरब कंट्री को कह रहे हो जहाँ पर जितने मर्जी आप उनके खिलाफ झंडे उठा लो, कुछ भी कर लो, फिर जाना तो आपने वहीं पे आना। अरे मेरे भाई इतना भी सच बोलने को नहीं होता है ये बंदा मुझे लग ही नहीं रहा ये पाकिस्तानी है, या फिर मुझे लगता है ये मेरे सारे वीडियो देखता है। अपने वीडियो का प्रभाव तो पड़ता है भाई पाकिस्तानियों पे, और नहीं तो क्या। अगर हम सऊदीया की बात करते हैं तो सऊदीया ये चीज पाकिस्तान के लिए बोलता है कि पाकिस्तान ने इस्लाम का और मुसलमानों का नाम पूरी दुनिया में खराब किया अपने किरदार से, तो क्या वो सही बोलते हैं? बिल्कुल 100% बिल्कुल सही बोलते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा आम है कि लोग जो है ना वो इस्लाम को, इसलिए हम लोगों को दहशतगर्द बोला जाता है क्योंकि हम लोग जज्बात को उभार देते हैं, ठीक है ना। हम लोग जो एक मतलब होता है ना आयत का, उसका गलत मतलब लेते हैं। मेरे भाई तेरी सारी बातें सही थी, मैं इंजॉय भी कर रहा था तेरी बातों को, और मुझे ऐसा लग भी रहा था कि तुम पाकिस्तानी नहीं हो, लेकिन जाते जाते ना तुमने कर दी गलत बात। तुम्हारी इस्लाम की आयतें ही तुम्हें आतंकवादी बनाती है। नहीं यकीन आया तो तुम्हारे इस मौलाना की सुन लो, कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं। इंकशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसल कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? लेकिन अल्लाह के दुश्मन है, उसका फैसला कैसे होगा सर? यहाँ पर तो APS में आके मासूम बच्चों को आपने मुजम्मत भी बात नहीं की। वो आयत तो मैं पेश करूँ। हाँ जी, कुरान कहता है वो आयदू लहुम मस्तफातुम मिन कुव्वा,
तुम्हारी कुव्वत है वो तैयार करो, ठीक है। वह मेरे लिए बात रसाई, उस जमाने में घोड़े थे, आज और चीजें आ गई। और आगे क्या फरमाया, तुरहिबून बिही अदुवल्लाह, जो अल्लाह के दुश्मन है उन्हें क्या करो। हाँ तो मेरे भाई, अब तो तुम्हें पूरा यकीन हो गया ना कि इस्लाम ही आतंकवादी बनाता है और इस्लाम ही आतंकवाद की जड़ है। नहीं तो इतने सैकड़ों ग्रुप हैं, वो सारे इस्लामी क्यों है, सोचना कभी। सही बात है। खैर अब आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देखने बाद में आपको सबसे पहले तो करना लाइक करो, फिर इसके बाद करना आपको शेयर, और फिर इसके बाद करके जाना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते ही नहीं हो भाई आजकल, देखते हो और चल जाते हो, ये क्या बात हुई भाई। सब्सक्राइब करो और कमेंट करे बिना तो बिल्कुल नहीं जाना। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।